नमस्कार, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको फिर से लेकर चलते हैं दिल्ली में चल रहे छठे जागरण फिल्म फेस्टिवल में, जहां पर सुपरहिट फिल्म बदलापुर की स्क्रीनिंग हो रही है। तो चलिए आपकी आज हम मुलाकात कराते हैं फिल्म के निर्देशक श्री राम राघवन व अभिनेत्री दिव्या दत्ता से, और जानते हैं कि श्री राम राघवन व दिव्या दत्ता को छठे जागरण फिल्म फेस्टिवल में आकर कैसा लग रहा है। दर्शकों, पीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री राम राघवन जी से, जो कि बदलापुर मूवी के निर्देशक हैं। पीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। हेलो, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ मूवी की सफलता के लिए। थैंक यू। मैं पिछली बार दिल्ली आया था, मतलब हमारी फिल्म की प्रमोशन भी आया था, तो तब तो रिलीज नहीं हुई थी, तो पता नहीं था कि क्या होने वाला है, तो लेकिन लोगों को अच्छी लगी और थैंक यू। छठे जागरण फिल्म फेस्टिवल में आपके बदलापुर मूवी का शो भी हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बस मतलब फिल्म रिलीज हुई है, कई लोग ऐसे भी थे, मतलब पूरा हॉल पैक था और मतलब लोग नीचे बैठ के देख रहे थे, और ऐसे कई लोग थे जिन्होंने मतलब फिल्म दो तीन बार देखी है, तो मुझे तो बहुत ही मजा आया। और ये फेस्टिवल का बेस्ट चीज वही लगता है कि मतलब ये फेस्टिवल ट्रैवल करता है, मतलब सो मेनी प्लेसेस, जो जहाँ जागरण का जो मतलब रीच है वो जहाँ वहाँ पे लोगों को, बहुत कम लोगों को वर्ल्ड सिनेमा देखने को मिलता है। सब जैसे आजकल एक ट्रेंड चल निकला है 1500 करोड़ का, तो क्या ये सही है एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर, एक डायरेक्टर के तौर पर, या जो है कहानी का बढ़िया? नहीं, कहानी तो मेन हीरो है, मैं समझता हूँ, लेकिन मतलब अगर इतना पैसा कमा रही है फिल्म में तो अच्छी बात है वो, लेकिन जब मैं लिखता हूँ या जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि इतना पैसा कमाना चाहिए, मेरी पहली फिल्म इतना कमाए थे, इससे ज्यादा वो मतलब वो अजीब सा हो जाता है फिर, क्योंकि फिर हम अपने आप फिर कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, कैसे ये भी डालो वो भी करें, तो सबको खुश करने में कोई खुश नहीं होती। समझता के बाद जो है अगला कदम क्या होगा? अगला मेरा दो स्क्रिप्ट है जो मैं मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है फिनिशिंग स्टेजेस में, जो आई थिंक 1-1.5 महीने में मैं अनाउंस करूंगा, एक बार मेरा एक एक्टर भी हो जाए तो फिर उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा। धन्यवाद बीसीआर न्यूज से बात करने के लिए। आपका बीसीआर न्यूज में स्वागत है। आज आपके यहाँ बदलापुर मूवी का शो हुआ है छठे जागरण फिल्म फेस्टिवल में, कैसे फील कर रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा, इतनी बड़ी तादाद में सब ऑडियंस लेकर नीचे जमीन पर बैठ कर फिल्म देख रहे थे, इतना भरा हुआ था और जो इतना प्यार मिले आपसे, आपकी मेहनत। हर बार आपकी जो है अभिनय प्रतिभा निकल के सामने आती है, चाहे वो जिला अध्यक्ष है हो या बदलापुर है, तो मैं आप इतनी एनर्जी और इतना जो है कैरेक्टर में डूबने का जो है कांसर लाते हैं, जब आप अपने काम करते हैं और आपकी ऑडियंस आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आप चाहेंगे कि आपने अपना बिल्कुल बेस्ट दें और दिल के सच्चे हो और सच्चाई से काम करें, जो आप देखना पसंद करते हैं। आई चीज आपकी जल्दी और अभी राम से चार भी आई थी निर्मित करके और शाम मैंने कल की अलग और एक फिल्म शबाना जी और जुनी के साथ कर रही हूँ, उसका नाम है चौकी।